हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारे पास में टेक्नो का पोवा नियो फोन जो है ये हैंग ऑन लोगों में है और ये हमारे पास रिपेयर के लिए आया था। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से बिना कंप्यूटर की मदद से आप इसको ईजिली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने फ़ोन को अगर पावर ऑफ करना चाहेंगे तो वो पावर ऑफ नहीं होगा। इसके लिए हम इसको पहले बैक पैनल ओपन करेंगे और इसके बाद में इसके स्क्रू जितने भी हैं सब ओपन कर देंगे। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है ताकि जल्दी से इसे मैं ओपन कर लूँ और मैं आपको दिखाना नहीं चाहता कि मैं किस तरह से बेकार से स्क्रू खोलता हूँ। चलिए, जल्दी से मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब इसको ओपन करने के बाद में यहाँ देखिए, ये बैटरी का जो कनेक्टर लगा हुआ है आपको बस इसको एक बार रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद फिर इसको दोबारा से आपको फिर लगा देना है। फ़ोन हमारा ऑफ हो चुका है, अब इसको हमने दोबारा से लगाया। ये देखिए, वॉल्यूम डाउन और ये पावर का बटन है, ये आपको प्रेस करना है। लेकिन हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। चलिए, हम बस इसको नॉर्मली ऐसे ही बंद कर लेते हैं। इसका बैक पैनल हम इसको वापस लगाते हैं ताकि हमारे स्विच दबाने में आसानी रहे। मैंने इसका बैक पैनल दोबारा से लगा दिया है। अब देखिए, ये पावर का बटन है और वॉल्यूम डाउन। आपको बहुत स्टेप बाय ध्यान से रखना है, बहुत स्टेप से देखना है कि आपको पावर की जो है 3 सेकंड प्रेस रखनी है, फिर उसके फौरन बाद ही आपको वॉल्यूम डाउन प्रेस करना है। जैसे ही फ़ोन वाइब्रेट हो आपको पावर की छोड़नी है और वॉल्यूम डाउन को आपको प्रेस करके रखना है तब तक जब तक कि आपका फ़ोन रिकवरी में ना चला जाए। आपका फ़ोन इस टाइम रिकवरी में आ चुका है। यहाँ से आने के बाद आपको वॉल्यूम डाउन की मदद से नीचे आना है और यहाँ पर वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे आना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करना है। फ़ोन आपका रीसेट होगा, यहाँ पर कुछ टाइम लेता है, यहाँ आपको वेट करना होगा। चलिए, थोड़ा सा वेट करते हैं। दोस्तों, मेरा फ़ोन जो है डाउन भी हो रहा है तो मैं इसको चार्जिंग पे भी लगा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, इससे पहले रिबूट सिस्टम नाउ का ऑप्शन जाए तो आपको पहले रिबूट सिस्टम नाउ पे ही क्लिक करना है। फ़ोन आपका ऑन होगा और यहाँ पर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, यहाँ इसी वजह से आपको वेट करना होगा। मैं वीडियो की स्पीड भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। फ़िलहाल मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा लूँगा ताकि ऑफ ना हो जाए, क्योंकि इसकी बैटरी डाउन थी। और वीडियो की स्पीड भी हम थोड़ी तेज़ कर देते हैं कि ताकि जल्दी से सेटअप आगे कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर टेक्नो पर ये काफ़ी देर रुका रहता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। सेट हमारा ऑन हो चुका है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों, ये वीडियो FRP बाईपास की नहीं है, सिर्फ हैंग ऑन लोगों की है। FRP बाईपास की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि इस फ़ोन में लॉक भी नहीं लगा हुआ था, सिर्फ हैंग ऑन लोगों था। कस्टमर का कहना था कि मैंने इसमें कोई लॉक नहीं लगाया, इसलिए मुझे इस पर FRP भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं इसको इसका सेटअप आगे इसी तरह बढ़ा लूँगा। यहाँ पर आप जाके अपने फ़ोन को जो है वाईफाई से कनेक्ट कर लें और उसके बाद में आप आगे इसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू दोस्तों।